हेलो फ्रेंड्स, पवन हियर। कैसे हैं आप फ्रेंड्स? आज सीए स्टूडेंट्स का क्रिकेट टूर्नामेंट था, तो मैं वहाँ पर मेरी स्टूडेंट्स की टीम को सपोर्ट करने गया था। तो हमारी वो टीम पिछले साल तो फर्स्ट राउंड में हार गई थी, इस साल सेमीफाइनल स्टेज तक के पहुँची, लेकिन सेमीफाइनल मैच नहीं जीत पाई। तो हमारे प्लेयर्स काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे, लेकिन उसके बाद में एक प्लेयर का मुझे मैसेज आया, एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि एक पॉजिटिव थॉट मैंने डाला था कि उसके रिप्लाई में कि यस सर, इट एप्ली अप्लाइज टू टुडेज मैच ऑल्सो। तो बात ऐसी है कि देखिए, अगर खेल में हार की पॉसिबिलिटी ही ना हो तो वो खेल का मज़ा ही क्या रहेगा। इसका मतलब, इफ देर इज नो चांस ऑफ लूजिंग एनी मैच, देन यू विल नॉट इवन एंजॉय प्लेइंग दैट मैच, इजंट इट? तो ठीक है, इट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस दैट मेक्स द गेम इंटरेस्टिंग एंड इट मेक्स इट चैलेंजिंग कि चलो नेक्स्ट टाइम हमको और अच्छा करना है। एंड आप लाइफ में जो भी करो, हर चीज़ में अगर सक्सेस सक्सेस होते जाओ तो आपको फिर उसकी कदर कम हो जाती है। तो इट इज़ फाइन, लेट अस लर्न टू टेक सक्सेस एंड फेलियर इन स्ट्राइड। ठीक है, कोई ना कोई चीज़ में इम्परफेक्शन रहेगा, एंड सामने वाली भी जो टीम है या और भी कोई जो सिचुएशन है, कभी कभार वो हमारे सामने बेहतर हो सकती है। ओके, इट कैन बी टफर, तो इट इज़ फाइन, लेट अस टेक इट इन आर स्ट्राइड। खेल होता है, लाइफ को भी हम लोग गेम की तरह अगर ले तो ठीक है, समटाइम्स इट गोज इन आर फेवर, समटाइम्स इट डज नॉट गो, बट देन हमारा काम है कोशिश करते रहना, लॉस को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना। अभी सीए के एग्ज़ाम का भी रिजल्ट आएगा, तो मैं सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट विश करना चाहता हूँ कि जो भी रिजल्ट आए, देखिए इट्स द चांस ऑफ फेलियर दैट विल मेक योर सक्सेस ऑल द मोर एक्साइटिंग एंड वंडरफुल। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स।